हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टेक्निकल पेशा चैनल के एक और वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ओडिशा के पश्चिमी हिस्से में स्थित ढेंकनाल जिला एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल होने के साथ ही अपने ऐतिहासिक साक्ष्यों के लिए भी देश विदेश में खासा लोकप्रिय है। यहाँ सोमवंश से लेकर गंग शासकों तक ने राज किया और कई अपनी धरोहर के तौर पर कई शिलालेख छोड़ गए जो आज भी यहाँ उनकी मौजूदगी के सबूत हैं। वर्तमान में ये जिला 4,452 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये ढेंकनाल उत्तर में क्योंझर, दक्षिण में कटक, पूर्व में जाजपुर और पश्चिम में अंगुल जिले से घिरा हुआ है। यहाँ मौजूदा समय में लगभग 16,58,008 लोगों की आबादी रहती है। वहीं यहाँ की करीब 80% आबादी साक्षर है और लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 947 महिलाओं का है। यहाँ ज्यादातर लोग ओडिया और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बोलचाल के लिए करते हैं। इस जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। जिले का मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय ढेंकनाल शहर में है। वहीं प्रशासनिक व्यवस्था के वर्तमान परिदृश्य में 3 उपमंडल, 8 तहसीलें और 8 सीडी ब्लॉक हैं। जिले में कुल 198 ग्राम पंचायत, 4 शहरी निकाय और 1,237 गाँव हैं। ढेंकनाल जिला भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में ढेंकनाल लॉ कॉलेज, इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, सिनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी काफी प्रसिद्ध है। कुल मिलाकर देखें तो ढेंकनाल जिले में उचित शैक्षिक, स्वास्थ्य देखभाल और बैंकिंग प्रणाली है। इसके अलावा इस क्षेत्र के पर्यटन स्थल दुनिया के विभिन्न हिस्सों से यात्रियों को आकर्षित करते हैं। ढेंकनाल जिले की संस्कृति मिश्रित और विविध है। ढेंकनाल जिले के भूगोल का प्रमुख भाग घने जंगल और पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला है। इस जिले को देश के लिए हाथियों और बाघों का घर कहा जाता है। ढेंकनाल जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और जंगलों पर निर्भर है। प्राथमिक कृषि उत्पादों की बात करें तो यहाँ धान, मूंगफली, काजू, आलू, आम, कटहल, गन्ना और कुछ मौसमी सब्जियाँ उगाई जाती हैं। यहाँ के मुख्य वन उत्पादों में इमारती लकड़ी, बांस, आग की लकड़ी और केंदू पत्ती शामिल है। इसके अलावा यहाँ कुछ बड़े पैमाने के उद्योग जैसे नीलाचल रिफ्रैक्टरीज, उत्कल एस्बेस्टम लिमिटेड, उड़ीसा पॉलीफाइबर लिमिटेड और शक्ति चीनी भी इसी जिले में स्थापित हैं। ये जिला अपने मेलों और त्योहारों के लिए बहुत लोकप्रिय है। गजलक्ष्मी पूजा, जागर यात्रा और दशहरा उत्सव ढेंकनाल जिले की संस्कृति में एक विशेष महत्व रखते हैं। माघ मेला और बैल उत्सव कुछ प्रसिद्ध आयोजन हैं इस जिले के, जिसे देखने के लिए पर्यटकों का जमावड़ा लगता है। प्रख्यात हस्तियों के मामले में ढेंकनाल बहुत प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता सेनानी बाजी राउत, बीरा बैष्णबा पटनायक, प्रख्यात कवि बज्रनाथ बडा जेना, उड़ीसा की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उड़ीसा की पहली महिला कल्पना दास इसी जिले में जन्मे हैं। पर्यटन की बात करें तो ये जिला अपनी हसीन वादियों, सुहाने मौसम, पर्वत पहाड़ियों के लिए पर्यटकों के बीच काफी फेमस है। यहाँ दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों का प्राकृतिक खजाना है। ये जगह ऐतिहासिक और धार्मिक तो है ही, साथ ही वस्तु और शिल्प कला की दृष्टि से भी बेहद खास है। यहाँ आप हिंदू देवी देवताओं के मंदिर कपिलेश से अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ घूमने के लिए रामियल नदी पर बनी सिंचाई परियोजना दंडधार, कुआलो जो कि भगवान कनकेश्वर, बैद्यनाथ, पश्चिमेश्वर, बालुंकेश्वर और कपिलेश्वर को समर्पित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है।
उसके दर्शन भी आप कर सकते हैं। परिवारों के लिए यहाँ कई पिकनिक स्पॉट और पार्क भी हैं, जो आपको इस जिले के खूबसूरत दृश्यों को दिखाएंगे। अब अगर आप भी ढेंकनाल घूमने का मन बना रहे हैं तो आपको बता दें कि आप यहाँ रेल, सड़क और हवाई किसी भी मार्ग से आसानी से पहुँच सकते हैं। ये जिला राजधानी भुवनेश्वर से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी कनेक्टिविटी भी बेहद अच्छी है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर का बीजू पटनायक एयरपोर्ट है। आप यहाँ ट्रेन के जरिए सीधा ढेंकनाल रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हैं। वहीं अगर आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो आपको नेशनल हाईवे 55 यहाँ आसानी से पहुँचा देगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।